पब्लिक टीवी आपकी आवाज। इस रक्षाबंधन पर बहनों ने अपने भाई के साथ पेड़ों को भी अपना भाई मानते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधा है और कोविड के दौरान होने वाली ऑक्सीजन की कमी से रक्षा करने का भी साथ मांगा है। साथ ही बहनों ने भी इस बार अपने भाइयों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। दरअसल रक्षाबंधन के मौके पर मुरादाबाद की छात्राओं ने पेड़ों को राखी बांधते हुए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। छात्राओं ने बताया कि इस त्योहार पर हमने पेड़ों को राखी बांधी है ताकि समाज में पर्यावरण को लेकर एक अच्छा संदेश जाए। अगर हम पेड़ों को सुरक्षित रखते हैं तो उससे हमें कई लाभ मिलेंगे। इन सभी ने पेड़ों को राखी बांधी और उन्हें बचाने का संदेश दिया। उनका कहना था कि पेड़ हमारी रक्षा करते हैं और आज हमने उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया है। इस दौरान सभी के चेहरों पर एक अलग सी मुस्कान थी और पेड़ों को राखी बांधकर सभी ने एक दूसरे को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। जिससे सरसों हो गया, धनिया हो गया, ये सब का उपज अधिक हो जाए, 20% उसके पैदावार बढ़ जाता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि मधुमक्खी पालन। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।